राजधानी हो राजधानी। दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले एक बुजुर्ग कपल के वायरल वीडियो ने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वीडियो में बुजुर्ग कपल की दर्दनाक कहानी थी, जिनका ढाबा लॉकडाउन के कारण ठप पड़ा था और वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, मगर वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद ही जिंदगी से निराश कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बादामी देवी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दिल्ली वासियों ने बुजुर्ग कपल की मदद के लिए 2 लाख से ज्यादा की डोनेशन दे दी है, साथ ही बुजुर्ग कपल का ढाबा भी चल पड़ा है। मालवीय नगर में बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग का नाम कांता प्रसाद है और उनकी पत्नी का नाम बादामी देवी। ये दोनों कई सालों से मालवीय नगर में अपनी छोटी सी दुकान लगाते हैं। दोनों की उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है। कांता प्रसाद बताते हैं कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी है, लेकिन तीनों में से कोई उनकी मदद नहीं करता। एक शख्स ने जब उनकी तकलीफ का वीडियो लोगों के सामने रखा तो उनके जीवन में कुछ ही पल में खुशहाली लौट आई। आलम यह है कि गुमनाम जिंदगी जीने वाले बुजुर्ग कपल की जिंदगी से जुड़ी आज हर छोटी बड़ी घटना को लोग जानना चाहते हैं। बता दें कि बुजुर्ग कपल की जिंदगी बेहद दिलचस्प है। दोनों के जीवन में काफी उतार चढ़ाव आया है। कांता प्रसाद बताते हैं, जब उनकी शादी हुई तो वे 5 साल के थे और उनकी पत्नी बादामी देवी मात्र 3 साल की थी। उस दौर में अंग्रेज गैर शादीशुदा महिलाओं का उत्पीड़न करते थे, इसलिए शादियां जल्दी करा दी जाती थी। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे इसे पसंद करना था और उसे भी मुझसे लगाव रखना था। यह एक मोहर जैसा था, हम पर सिर्फ 5 साल की उम्र में एक साथ रहने का स्टैंप लगा दिया गया। 1961 में उसके परिवार वालों ने उसे मुझे सौंप दिया। मैं बहुत खुश था और उसे घर लेकर आया। हम 21 साल की उम्र में बेहतर अवसरों की आशा में उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए। हमारा नहीं, जहाँ जैसे है सबकी मदद होना चाहिए है? कि हम अकेले नहीं, दुनिया में बहुत तेरे पड़े हैं जिनको खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, खाने की रोटी नहीं है।